मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक विचारक, जिसमें हम कल देख रहे थे मैकियावेली ने मानव प्रकृति की व्याख्या किस तरीके से की। आज हम मैकियावेली ने अपनी पुस्तक दी प्रिंस में एक शासक को क्या परामर्श दिए जिसके द्वारा वो अपने राज को सुदृढ़ और शक्तिशाली बना सकता है। इसके संबंध में मैकियावेली ने अपनी पुस्तक दी प्रिंस में शासक को जो परामर्श दिए उसका उद्देश्य था राज को सुरक्षित रखना, राज को सुदृढ़ करना और इसके लिए शासक में क्या क्या गुण होने चाहिए कि वो अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके संबंध में मैकियावेली ने शासक को जो परामर्श दिए उसमें शासक की सफलता नियत है। प्रिंस में मैकियावेली ने बताया कि शासक में ऐसे गुण होने चाहिए जिसे राज सुरक्षित और सुदृढ़ हो सके। इसके लिए उसने शासक के जो गुणों की व्याख्या की उसमें सबसे पहला गुण है शक्ति का अर्जन करना। शासक शक्ति के द्वारा ही राज को सुरक्षित रख सकता है और समय समय पर शक्ति अर्जन के उपाय करना चाहिए। मैकियावेली ने बताया कि शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रीय हित सुरक्षित रह सकते हैं, शक्ति के माध्यम से ही विदेश नीति सफल बन सकती है। मैकियावेली के अनुसार शक्ति वह तत्व है जिसके इर्द गिर्द राज्य की सुरक्षा नियत होती है और शक्ति के माध्यम से ही राज्य एक सफल और सुदृढ़ता स्थापित कर सकता है। इसलिए मैकियावेली ने अपनी पुस्तक दी प्रिंस में शासक से ये अपेक्षा की कि वो शक्ति का अर्जन करना चाहिए उसको। दूसरा जो परामर्श दिया अपने शासक को वह राष्ट्रीय सेना। मैकियावेली ने राष्ट्रीय सेना के गठन करने का सुझाव शासक को दिया। भाड़े के टट्टू या उधार लिए हुए सैनिकों के माध्यम से राज्य की सुरक्षा नहीं स्थापित हो सकती है, इसलिए शासक को अपने राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। ऐसे देशभक्त सैनिकों की भर्ती करनी चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों का भी न्योछावर कर सकें। इसलिए जो परामर्श शासक को दिया उसमें उसने स्पष्ट बताया कि शासक को राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। तीसरी बात उन्होंने बताया कि सैनिक शक्ति का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। एक विदेश नीति की सफलता के लिए अपने शासक को ये परामर्श देता है मैकियावेली कि सैनिक शक्ति का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। सेना के द्वारा ही राज्य की सुरक्षा और राज्य की सुदृढ़ता स्थापित हो सकती है, इसलिए शासक को चाहिए कि वो निरंतर सेना का विस्तार करे। नेक्स्ट जो परामर्श दिया उसमें मैकियावेली ने बताया कि शासक में सिंह और लोमड़ी जैसे गुण होने चाहिए। षड्यंत्र, क्रांति, उपद्रव, विद्रोह आदि से बचने के लिए शासक के पास लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए और सिंह जैसे एक सिंह गीदड़ों को डराता है अपनी शक्ति के माध्यम से, उसी प्रकार राज्य में सिंह के समान अर्थात राजा को बहुत शक्तिशाली भी होना चाहिए। तो इस प्रकार दी प्रिंस में मैकियावेली ने ये बताया कि राजा
में सिंह और लोमड़ी जैसे गुण होने चाहिए। नेक्स्ट जो परामर्श देता है मैं क्या बोले अपने शासक को, वो देता है निर्णय अटल और सुरक्षित सुनिश्चित होने चाहिए या अपरिवर्तनशील होने चाहिए। अपरिवर्तनशील या परिवर्तन जो निर्णय लिए जाते हैं जो तुरंत बदल दिए जाते हैं उसे जनता का विश्वास उठ जाता है, इसलिए शासक जो निर्णय ले वो अटल होने चाहिए अर्थात उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो निर्णय अटल और सुनिश्चित लेने के संबंध में मैकियावेली ने परामर्श अपने शासक को दिया। नेक्स्ट है जो परामर्श मैकियावेली ने दिया वो स्वांग और पाखंड के गुण। राजा को बहुरूपिया होना चाहिए, समय और परिस्थितियों के अनुसार राजा स्वांग और पाखंड के गुणों से भी अगर राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा राज्य की एकता राज्य की सुदृढ़ता स्थापित होती है तो स्वांग और पाखंड के गुणों को भी धारण करना चाहिए अर्थात देखने में राजा दयालु कृपालु परोपकारी होना चाहिए लेकिन आवश्यकता होने पर वे भयमुक्त और घृणित ताका भी जो अगर व्यवहार करना पड़े तो करना चाहिए। तो उन्होंने आवश्यकता अनुसार राजा को अपने स्वांग और पाखंड के गुणों की प्रधानता पर भी बल दिया। नेक्स्ट जो परामर्श मैकियावेली देता है वो है राजा भयमुक्त हो लेकिन घृणित नहीं, भय से उसको डर नहीं लगना चाहिए, किसी भी तरीके का भय निर्णय लेने में राज्य की सुरक्षा में राज्य की सुदृढ़ता में या आक्रमण या क्रांति पर निर्णय लेने संबंधी के संबंध में वो भयमुक्त होकर निर्णय ले और भयमुक्त होकर निर्णय लेते समय वो किसी पक्ष से घृणा नहीं करे। तो इस प्रकार भयमुक्त हो शासक या राजा लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दि प्रिंस में मैकियावेली ने और परामर्श दिए हैं जिसमें राजा को समय समय पर वीरता कौशल और साहस का परिचय देना चाहिए। राजा शक्तिशाली होने का समय समय पर उसको अपनी वीरता का परिचय भी देना चाहिए, कौशल का परिचय देना चाहिए और किसी गंभीर संकट के समाधान के लिए साहस का परिचय भी देना चाहिए। तो इस प्रकार वीरता कौशल और साहस का परिचय समय समय पर शासक को देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैकियावेली ने द प्रिंस में जो शासक को अन्य परामर्श दिए उसमें योग्यता और निपुणता का प्रशंसक। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए मैकियावेली ने शासक के लिए ये आवश्यक माना कि वो जो योग्य व्यक्ति हैं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं और वो कुशल हैं तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से उनके उत्साह में वृद्धि होगी और राज्य के हितों के लिए वो अधिक कार्य करेंगे। तो इस प्रकार योग्यता और जो निपुण चाहे सैनिक क्षेत्र में हो चाहे साधारण जनता के क्षेत्र में हो कोई भी व्यक्ति निपुण योग्य है तो उसकी प्रशंसा करना राजा के लिए आवश्यक है, इससे राजभक्ति की जो भावना है उसका विकास अधिक होगा। इसके अतिरिक्त द प्रिंस में मैकियावेली ने जो अन्य परामर्श भी दिए हैं उसमें है पुरस्कारों और उपाधियों का वितरण। समय समय पर समारोह में जो राजहित में कार्य करते हैं
जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनको पुरस्कार और उपाधियां प्रदान करनी चाहिए ताकि अन्य नागरिक भी उससे प्रेरणा लें और राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करें। तो इस प्रकार समय समय पर शासक को जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए पुरस्कार और उपाधियों का वितरण करना चाहिए। इसके अलावा मैं क्या लेने अपने परामर्शदाताओं का चयन कैसे करें, मंत्रियों का चयन कैसे करें, इसके लिए योग्यता को आधार बताया। मैकियावेली ने कहा कि शासक को योग्य मंत्रियों का चयन करना चाहिए ताकि जो वो निर्णय लेते हैं वो राष्ट्र के हित में हो, कुशल हो, राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, इसलिए विवेकशील मंत्रियों का चयन करना चाहिए और उनसे परामर्श लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैकियावेली ने फिर बताया कि शासक को हमेशा चापलूसों से दूर रहना चाहिए क्योंकि चापलूस व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा को गंभीर संकट में डाल सकते हैं। इसलिए शासक को चापलूसी करने वाले व्यक्ति हैं उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि शासक उदार और मितव्ययी होना चाहिए। अगर लूटपाट, डकैती आदि से अगर धन प्राप्त होता है तो शासक को उसको उदारतापूर्वक खर्च कर देना चाहिए और इसके साथ ही शासक को जो राजकोष में धन खर्च करना होता है उसके संबंध में मितव्ययी होना चाहिए। तो इस प्रकार उदार और मितव्ययी का गुण राजा में, शासक में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने शासन का जो आधार बताया और अपने शासक को जो परामर्श दिया, उन्होंने कहा कि शासक अपनी स्वेच्छा से या किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा से शासन न करे। शासन का आधार विधि होना चाहिए, कानून का शासन होना चाहिए, विधि के अनुसार संपूर्ण राज्य व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैकियावेली ने जो राजा को परामर्श दिया उसमें राजनीतिक शिक्षा पर भी बल दिया। लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, राज्य के कार्यों में भाग लेने का उनको अवसर होना चाहिए, प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जनता परिचित हो। तो इस प्रकार राजनीतिक शिक्षा पर भी मैकियावेली ने अपनी पुस्तक दी प्रिंस में शासक को ये परामर्श दिया कि लोगों को राज कार्य में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए और उन्हें राजनीतिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार दी प्रिंस में मैकियावेली ने राज्य की सुरक्षा, सुदृढ़ता और सुरक्षा के लिए अपने राजा को या शासक को परामर्श दिया और इन परामर्शों के आधार पर ही कोई शासक सफल शासक हो सकता है। धन्यवाद।